बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली शराज और आप देख रहे हैं अमेजिंग स्किल्स ए एंड एस। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही टेक्निकल और प्रोफेशनल होने वाली है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि लकड़ी की जो सीढ़ी होती है उसको किस तरीके के साथ मैनुफैक्चर किया जा रहा है, किस तरीके के साथ उसको बनाया जा रहा है। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो पूरी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप, आपके सामने ग्रीन कलर के बांस हैं, काफ़ी जंगलात से इन बांसों को काट कर यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर लाने के बाद इनकी सफाई की जाती है। तो किस तरीके के साथ इन बांसों को, यानी कि आप देखते हैं कि साफ़ करते हैं इनको, किस तरीके के साथ इनको सीधा करते हैं, किस तरीके के साथ इस पर कलर करते हैं और सीढ़ी को बनाते हैं। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप, वो भाई आप देख रहे हैं सामने एक बांस उन्होंने पकड़ा है, उसके बाद उस पर कपड़े के ज़रिए एक रेड कलर लगाया गया है। अब आप देख रहे होंगे कि रेड कलर, अक्सर रेड कलर की ही सीढ़ियाँ पड़ी होती हैं आम लाहौर में, आप देखते हैं इनको, लेकिन रेड कलर किस तरीके के साथ किया जा रहा है इसके ऊपर, तो ये आपको दिखा रहे हैं स्टेप। हम जब कलर कर लिया जाता है इसको, तो बांस को वो सामने एक तंदूर सा हम कह सकते हैं, एक भट्टी कह सकते हैं, तो उसके अंदर इस बांस को रख दिया जाता है काफ़ी देर के लिए, ताकि बांस जो होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो जब इसको भट्टी के अंदर रखा जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट जब हो जाता है तो बांस को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद साइड पर आपको मैं दो एक्सल दिखाता हूँ कि वो देखें, ये देखें दो एक्सल आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, यानी कि रख कर इसको जो होल्स इनके सुराख बनाए हुए हैं वहाँ पर रख के इनको यानी कि सीधा किया जाता है। जो बांस काफ़ी हद तक टेढ़ा होता है उसको यहाँ पर सीधा किया जाता है। तो ये प्रोफेशनल किस्म के बांस होते हैं, ये आम बांस नहीं है, इन काफ़ी मजबूत और काफ़ी यानी कि इसकी इनकी पकड़ होती है, ये बहुत जल्दी टूटते नहीं हैं। तो इन्हीं बांसों के ऊपर, इनमें एक बारीक बांस होते हैं, एक मोटे बांस होते हैं, मोटे बांसों पर यानी कि सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। बारीक बांस जो आपको अक्सर मिलते हैं उन पर आप देखते होंगे झंडे लगे होते हैं, 14 अगस्त के ऊपर काफ़ी लोग झंडे वगैरह लगाते हैं, वो यही बांस होते हैं। तो बांस जो है वहाँ पर जब कलर लगा लिया जाता है, कलर लगाने के बाद जब सीधा कर लिया जाता है तो यहाँ पर धूप में रख दिया जाता है बांस को। धूप में मिनिमम इसको तकरीबन कोई घंटे 2 घंटे के लिए बांस को रखा जाता है। तो ये देखें, जब वो जो सुराखों के अंदर डालकर सीधा कर लेते हैं बांस को, तो यहाँ पर लाकर रख देते हैं। जब 2-3 घंटे के बाद बांस जो है सूख जाता है, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो शुरू किया जाता है। तो देखें किस तरीके के साथ, यानी कि इसके ऊपर कलर कर रहे हैं भाई, माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो किस तरीके के साथ मेहनत के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। मेहनत कश माशाल्लाह ये लोग हैं। तो दोस्तों, ये वीडियोज़ हम बहुत मुश्किल से आपके लिए बनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट किया करें कि वीडियो कैसी लगी आपको, ताकि हम इस आपके कमेंट के ज़रिए अप्रिशिएट होते हैं, हमें पता होता है कि यार हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो है, लोग इन्हें देख रहे हैं, हमें फीडबैक दे रहे हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो हमें फीडबैक लाजमी करें, और इस तरह ही हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनमें लाजमी शेयर कीजिएगा। तो ये देखें जी, काफ़ी काफ़ी बड़े बांस होते हैं, काफ़ी काफ़ी लेंथी सीढ़ियाँ जो आप देखते हैं अक्सर इस तरीके के साथ, यानी कि यहाँ पर इसको तैयार की जाती हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम आपको बताने लगे हैं। तो बांस जो है काफ़ी देर, जो 2-3 घंटों के बाद भी काफ़ी आपको देख रहे हैं नज़र आ रहे हैं, जो खुश्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उनको यहाँ पर रख दिया जाता है। यहाँ पर रखने के बाद एक इंची टेप के ज़रिए उसकी पैमाइश की जाती है, यानी कि सीढ़ियों के साइज़ होते हैं आपको पता ही होगा, कोई 10 फुट की सीढ़ी होती है ऑर्डर पर, यानी कि तैयार करते हैं कोई 10 फुट की, 8 फुट की, 20 फुट की, 40 फुट की, यानी कि काफ़ी काफ़ी लेंथ की ये बांस होते हैं जिनके ज़रिए सीढ़ी तैयार की जाती है। जब पैमाइश लगा ली जाती है, निशान लगा लिया जाता है, तो यहाँ से पाइप को कटिंग कर लिया जाता है। तो दोनों यानी कि ऊपर से तो कटिंग करने के बाद बांस साफ हो जाता है, प्लेन हो जाता है, तो नीचे जो आप मेन जो बांस देखते हैं जहाँ पर सीढ़ी ने नीचे ज़मीन की तरफ पकड़ होनी है उसकी, तो यहाँ पर इसके जो ऑफ कट्स निकले होते हैं ताकि सीढ़ी जो स्लिप ना हो, तो उसको भी काट दिया जाता है, यानी कि एक मजबूती नीचे बन जाती है। तो ये बांस कटिंग हो चुके हैं हमारे। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो कील आप देख रहे हैं भाई के हाथ में, एक एक इस कीलों के अंदर वाशर डाली जा रही है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये देखिए, छोटा सा एक बांस पकड़ के इन कंप्लीट बांसों के ऊपर निशान लगा लिया जाता है। निशान के सेंटर में आप अक्सर देखते होंगे बांस जो होते हैं सीढ़ी के स्पोर्ट्स होती हैं, जब स्पोर्ट्स के ज़रिए आप ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी पे, तो उसी साइज़ के जो यानी कि
एक डिस्टेंस होता है, वही डिस्टेंस उसके सेंटर में भी लगाया जाता है और वही डिस्टेंस के ऊपर वही पास भी यानी कि कीलों के ज़रिए लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर हाथ की मदद के ज़रिए यानी कि कटिंग की जा रही है, कटिंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये बांस जो है स्टेप बाय स्टेप यानी कि आप इसके अंदर लगाए जाएंगे, आप स्टार्टिंग में देखें और एंड वाला बांस देखें, जैसे जैसे बांस यानी कि जब नीचे से स्टार्ट की जाती है सीढ़ी को, ठीक है, तो जब बांस जो कटिंग हो जाते हैं तो उसके अंदर ड्रिल के ज़रिए सुराख कर लिया जाता है, एक एक दोनों तरफ सुराख किया जा रहा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये वीडियोज़ बहुत प्रोफेशनल होती हैं, तो आप हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बांस जो आप देख रहे हैं कटिंग करने के बाद ड्रिल के ज़रिए इसमें निशान लगाया जा रहा है, अब नीचे से सीढ़ी को स्टार्ट किया जाएगा बनाना। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त कील जो है, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त कील लगा कर उसको हैमर के ज़रिए अच्छे तरीके के साथ यानी कि उसको अंदर ठोक दिया जाता है जो, और उसके अलावा फिर साइड जो दूसरी हो जाती है दूसरी साइड पे भी ड्रिल के ज़रिए निशान सुराख किया जाता है। सुराख करने के बाद फिर यानी कि स्टेप बाय स्टेप अब ये जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था उसके ज़रिए ड्रिल पर यानी कि सुराख कर दिए गए हैं बांस के ऊपर, और अब यहाँ पर जो छोटे छोटे बांस आपको नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आम बंदा ये सीढ़ी नहीं बना सकता, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इनको पता होता है कि नीचे से देखते जाएंगे अब आप कि जैसे जैसे बांस नीचे से लगते जा रहे हैं उनकी जो ऊपर आती जा रहे हैं बांस स्टेप बाय स्टेप उनकी जो मोटाई है वो बारीक होती जा रही है। नीचे जो है सबसे ज़्यादा नीचे मजबूती की जाती है, क्योंकि ज़्यादा वज़न जब आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे की तरफ वज़न उनका ज़्यादा होता है। तो ये देखें जैसे जैसे बांस जो है ऊपर आ रहा है तो उसकी जो मोटाई है यानी कि बारीक होती जा रही है, एक खूबसूरत भी लगती है सीढ़ी बनी हुई। अगर हम आम बंदा अगर इसको मैन्युफैक्चर करता है तो वो इस चीज़ को नोट नहीं करता, ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, छोटे छोटे हिंट्स होते हैं जो यानी कि काफ़ी जो काम जानता है वही ये काम कर सकता है माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो काफ़ी देर हो गई है इनको यहाँ पर ये काम करते हुए। तो दोस्तों वीडियोस बहुत ही यानी कि प्रोफेशनल होती हैं जो हम आपके लिए बनाते हैं। तो ये देखें एक साइड जो है कम्प्लीट हो गई है, दूसरी साइड को भी इसी तरीके के साथ यानी कि ड्रिल के जरिए जुराग कर कर जो कील है वो उनको उसके अंदर लगा दिया जाएगा माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो वो देखें आप देख रहे होंगे जो पाइप मैं कह रहा हूँ जो बांस हैं बारीक बारीक ऊपर जाते जैसे ही ऊपर जा रहे हैं वैसे बारीक होते जा रहे हैं माशाल्लाह। तो नीचे से काफ़ी ज़्यादा मजबूती इसकी नीचे से तो काफ़ी मजबूत हो गई है, अब जो ऊपर से इसकी मजबूती की जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके के साथ इसको मजबूत करते हैं। सेंटर में एक एंगल लगाएंगे आपके सामने अभी भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। तो दूसरी साइड भी जो है हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो इसके बाद सीढ़ी को उल्टा किया जाएगा, उल्टे करने के बाद एक एंगल लगाया जा रहा है, एंगल कहाँ पर लगाया जा रहा है किसकी लगाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें जी अब इसको उल्टा कर दिया जाएगा, उल्टा करने के बाद एक छोटी सी एक पतरी ये देखिए ये एंगल की मैं बात कर रहा था आपके साथ, ये यानी कि नीचे से तो मजबूती काफ़ी हो गई है, मोटे बांस लगे हुए हैं, आप ऊपर की तरफ ये एक एंगल सेंटर में टेढ़ा करके लगा दिया जाता है इसको ताकि ऊपर से भी जो सीढ़ी है आपस में अच्छे तरीके के साथ इसकी मजबूती हो जाए पकड़ हो जाए। तो ये देखें उल्टा करने के बाद जो कील आपने जो ठोके हैं यानी कि कील जो उसके अंदर लगाए हैं साइड से बैक साइड से निकल आते हैं, तो इस तरीके के साथ इसको यानी कि नीचे एक स्पोर्ट रख के ऊपर थोड़ी हैमर के ज़रिए इसको बेंड कर दिया जाता है माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो देखें किस तरीके के साथ इसको बेंड किया जा रहा है इसके जो कील हैं तो सीढ़ी जो है यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब सिर्फ बेंडिंग ही रह गई है इसकी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही प्रोफेशनल थी आप सबके लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियोस हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है हम यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इन्हें शेयर कीजिएगा वीडियो को, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा, और इस तरह की हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये देखें दोस्तों सीढ़ी जो है बनकर हमारी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने दुआओं में याद रखें।